हेलो एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं पेडिग्री एनालिसिस। क्या होता है पेडिग्री एनालिसिस, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अभी तक आपने जितना भी पढ़ा मेंडेलियन एरा पढ़ा, प्री मेंडेलियन, पोस्ट मेंडेलियन, आपने नोटिस किया होगा कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल रिक्वायर्ड होता है किसी भी ट्रेड के इनहेरिटेंस को पढ़ने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हम प्लांट्स में पढ़ रहे थे किस तरीके से कौन सा कैरेक्टर डोमिनेंट है, फॉर विच वी वर क्रॉसिंग, ठीक है, सेल्फिंग, बहुत सारी चीज़ें करके इसको पता कर रहे थे। आसानी से ड्रोसोफिला में भी कैरेक्टर का ट्रांसमिशन हम पढ़ पा रहे थे ट्रेड्स का, क्यों, क्योंकि उनका लाइफ स्पैन बहुत कम है, 2 हफ्ते 3 हफ्ते, तो हम आसानी से उसको लैब में ग्रो कर सकते हैं। मगर बेटा, जब ये बात आ जाती है ह्यूमन बींग्स पे, तो किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर का ट्रांसमिशन या ट्रेड्स का ट्रांसमिशन फॉर सेवरल जनरेशन पढ़ पाना मुश्किल होता है। भाई मिनिमम हम मान के चलते हैं 25 पे जो है एक जनरेशन, नई जनरेशन आती है 25 पे, आ कपल गेट मैरिड एंड प्रोड्यूस ऑफ स्प्रिंग, उस पर हमने फिर 25 रिसर्च करी, फिर दूसरा आया, फिर 25, तो जो रिसर्च कर रहा है वो, उसकी भी तो एक स्पेसिफिक एज होगी। ऐसा तो नहीं आई एम बॉर्न टुडे आई हैव स्टार्टेड डूइंग रिसर्च ऑन ह्यूमन बींग्स, इट वुड बी टेकिंग फॉर मी टू बी एडुकेटेड टू स्टार्ट दिस टास्क एटलीस्ट और एट द मिनिमम एज ऑफ 20 to 25। तो हम बहुत सारी जो है बहुत सारी जनरेशन्स तक खुद नहीं जिंदा रहेंगे, तो हम पढ़ेंगे कैसे। ठीक है, तो ह्यूमन बीइंग के अंदर हम 2 या 2 से ज़्यादा जनरेशन तक कोई कैरेक्टर अगर ट्रांसमिट हुआ है, कोई ट्रेट अगर ट्रांसमिट हुआ है, तो उसके इनहेरिटेंस को पढ़ते हैं थ्रू पेडिग्री एनालिसिस। क्योंकि ह्यूमन में कई चीज़ें हम लोग कंट्रोल्ड वे में नहीं कर सकते हैं, कंट्रोल्ड क्रॉसेस तो हम करा नहीं सकते हैं, डिज़ायरेबल क्रॉसेस करा नहीं सकते हैं, ह्यूमन की एज भी ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मल्टीपल जनरेशन तक हम उसको देख भी नहीं सकते हैं, बात समझ आ रही है। और प्लस वी आर सो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, हम किसी एक पर्टिकुलर ट्रेड पे चेक भी नहीं रख सकते हैं। तो पेडिग्री हमें मदद करती है सेवरल जनरेशंस तक ट्रेड्स के इनहेरिटेंस को पढ़ने में। इसके लिए बेटा हम क्या यूज़ करते हैं, डाटा यूज़ करते हैं, लोगों से पूछते हैं। कोई पर्टिकुलर डिसीज़ का ट्रेड हम पढ़ रहे हैं कि ये भाई अनुवांशिक है या नहीं, ये इनको कहाँ से मिला, या अगर ये इनमें है तो इनकी नेक्स्ट जनरेशन में किस पैटर्न में जाएगा। ठीक है, मगर इंडियंस, अगर आप उनसे पूछो आपके घर में किसको क्या बीमारी है, तो कहेंगे बीमार आप होंगे, आपके ख़ानदान होगा, आपका भाई होगा, आपकी बहन होगी, चालू हो जाएंगे, बिकॉज दे डोंट डिस्कस दिस। ठीक है, दे फील इट एज समथिंग बैड, समथिंग टैबू लाइक या स्टिग्मा लाइक थिंग्स। ठीक है, तो बहुत क्लियर डाटा में नहीं मिल पाता, लेकिन पेडिग्री आपको पढ़ना है तो मुझे पढ़ाना भी है। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ सर्टेन जेनेटिक ट्रेड्स फॉर 2 or more generations। ठीक है, यू कैन राइट दिस एज अ डेफिनेशन। ठीक है, 2 or more जनरेशन प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फैमिली ट्री, ठीक है, या एक डायग्राम। ठीक है, उसके जरिए हम पता लगा सकते हैं पेडिग्री में कैसे क्या हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, 2 हैं ए और बी, दे गॉट मैरिड एंड दे प्रोड्यूसेस ऑफ स्प्रिंग लाइक सी डी ई, देन डी गॉट मैरिड, ई गॉट मैरिड विद समबडी एंड इट प्रोड्यूस्ड चिल्ड्रंस लाइक एफ एंड जी, जी इज अफेक्टेड, he is affected, b is affected, so we need to understand how this affect, you know, pattern of inheritance followed, kaise hua, kya hua, kisko disease thi, these are not true standard symbols, abhi main aapko bataunga, screen lock kar lo zara, okay, so beta ab hum baat karne wale hain different symbols ki jo pedigree mein use hote hain, theek hai, chalo pehle symbol samajh lete hain। सबसे पहला सिंबल होता है स्क्वायर, दिस इज अ सिंबल ऑफ अ मेल, एक होलो स्क्वायर, इसके अंदर कुछ कलर नहीं, कोई चीज़ नहीं, कोई शेड नहीं, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ मेल। एक सर्किल है, इट इज़ अ सिंबल ऑफ अ फीमेल, बात समझ आ गई। और अगर इस तरीके से डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बना हुआ है तो सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, मान लो किसी कपल के 3 बच्चे हैं, ठीक है, वी आर सेइंग 3 चिल्ड्रंस ऑफ अ कपल, वी डोंट नो दैट वेदर दे आर मेल और दे आर फीमेल, इफ यू डोंट नो अबाउट इट देन व्हाट विल हैपन, वी विल से द सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, बात समझ आ रही है। तो इस केस में क्या बोलेंगे, सेक्स इज अनस्पेसिफाइड, इतनी बात समझ में आई, बात समझ आएगी। अगर इस तरीके से बना हुआ है, स्क्वायर है,
पूरा कलर होगा। हमने तो अफेक्टेड दिखाने के लिए हमने इस तरीके से उसको डार्क किया है या शेड किया है, बात समझ आ रही है? तो ये क्या होगा, अफेक्टेड इंडिविजुअल। कैसा इंडिविजुअल? अफेक्टेड मेल होगा। सर्कल है वो पूरा डार्क है, कंप्लीट डार्क की बात हो रही है, ठीक है, तो वो अफेक्टेड क्या हो जाएगी? फीमेल। बात समझ में आ गई? अब हम जो है कैरियर फीमेल शो करेंगे। मेल हम कैरियर क्यों नहीं शो करते हैं? क्योंकि मेल कैरियर नहीं होता है, हमेशा अफेक्टेड ही होगा। बिकॉज ज़्यादातर डिसीज़ क्या थी, एक्स लिंक्ड। अगर वाई लिंक्ड है तब भी मेल के पास एक ही वाई क्रोमोसोम है, ऑलरेडी वो अफेक्टेड होगा। एक्स लिंक्ड वाली है तो भी वो एक्स मेल के पास एक है तो वो ऑलरेडी अफेक्टेड होगा। लेकिन फीमेल क्या होती है, बहुत सारी सिचुएशंस में कैरियर होती है, तो उसके लिए हम या तो एक ऐसे अंदर क्रॉस बना देते हैं सर्कल में, बात समझ आ रही है? दूसरा तरीका क्या है, सर्किल को हाफ शेड कर देते हैं, ठीक है। तीसरा तरीका क्या है, सर्किल के अंदर कहीं पे एक डॉट रख देते हैं। इन तीनों सिचुएशंस में हम क्या कहेंगे, फीमेल कैरियर। क्या है बेटा, फीमेल इज कैरियर ऑफ एनी पर्टिकुलर डिसीज्ड, ठीक है। हाँ बेटा, मैरिज कैसे शो करते हैं? फीमेल है और एक मेल है। ह्यूमन बीइंग के केसेस में क्रॉस कहना, ठीक है, कोई एक अनएथिकल सी बात लगती है, ठीक है, तो हम इसमें मीटिंग या मैरिज ही वर्ड यूज़ करेंगे। मीटिंग में नहीं यूज़ करेंगे, मैरिज वर्ड यूज़ करेंगे। एक सिंगल लाइन होती है बेटा अगर, तो दिस सिंगल लाइन शोज मैरिज, और इन साइंटिफिक वर्ड यू कैन से मीटिंग, ठीक है। यही मेल और फीमेल अगर रहे, हाँ, दोनों के बीच में डबल लाइन हो, देन व्हाट इट विल बी, हाँ, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, मैरिज बिटवीन क्लोज रिलेटिव, यानी फर्स्ट कजिन सेकंड कजिन, बात समझ आई? इतनी बात समझ में आ गई? अब हम ऑफ स्प्रिंग की बात करेंगे। ये मैरिज हो रही है तो ये जनरेशन वन हो जाएगी ना, बात समझ आ रही हो? फिर इनके बच्चे सेकंड जनरेशन, उनके बच्चे थर्ड जनरेशन, तो इससे पहले की भी तो जनरेशन्स होंगी। लेकिन तो फिर हम कहाँ से डिसाइड करते हैं पेडिग्री शुरू करनी है? जहाँ से हम पेडिग्री शुरू कर रहे हैं अभी हम बताते हैं। जैसे मान लो एक फीमेल है एक मेल है, इनके बच्चों के लिए बेटा हम ऑफ स्प्रिंग के लिए सिंगल लाइन नीचे लेके आते, ठीक। ये फर्दर डिवाइड हो जाती है, मान लो इनका पहला चाइल्ड है, ये दूसरा चाइल्ड है, ये तीसरा चाइल्ड, तो ये तो तुम्हारा फर्स्ट जनरेशन हो गई, ये सेकंड। मान लो यहाँ से पढ़ना शुरू कर रहे हैं, ये यहाँ से हमें पेडिग्री निकालनी है, तो जो फर्स्ट पर्सन होगा जहाँ से हम शुरू कर रहे हैं पेडिग्री, वो प्रोपोसिटस होगा। क्या होगा? प्रोपोसिटस, ठीक है। द अफेक्टेड फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग आर पेडिग्री, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसमें एक चीज़ और समझ लें, ये सीधी लाइन आई है इसका मतलब ये ऑफ स्प्रिंग की लाइन है। ऑफ स्प्रिंग में हमेशा लेफ्ट टू राइट हम जाते हैं। कैसे जाते हैं? जैसे मैंने कहा सुधा एंड रमेश हैज थ्री किड्स, ठीक, उत्कर्ष, दीपांश एंड देवांश। तो सबसे पहले उत्कर्ष आएंगे नंबर वन। मान लो उत्कर्ष 5 साल के हैं, 4 साल के हैं, 3 साल के हैं, तो उसी ऑर्डर में लगेंगे बच्चे जिस ऑर्डर में पैदा होंगे। मेरी बात समझ आ रही है? जिस ऑर्डर में बर्थ होगी उसी ऑर्डर में उनको अरेंज किया जाएगा या लगाया जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? सिक्वेंशियल नंबरिंग ऑफ चिल्ड्रंस इज डन आफ्टर दी व्हेन दे आर बॉर्न, ठीक है। अब बेटा ये बात समझ में आ गई, ये तीनों एक लाइन से जुड़े हुए हैं, सब किसके बच्चे हैं? इन दोनों के। लेकिन मान लो, हाँ, देवांश को ससुर चाहिए, तो ये देवांश के हस्बैंड हैं, ठीक है। ये मान लो कोई है एक्स वाई जेड, लुक हियर ओनली, ये इनकी शादी हुई है, जो ये ऊपर से तो कनेक्ट है नहीं, ये बाहर से आया हुआ, तो इसका मतलब ये क्या है, ये इस पेडिग्री का हिस्सा नहीं है जेनेटिकली, ये अलग से आए हैं। हाँ, अगर ये क्लोज रिलेटिव है, मान लो ये इसका भतीजा है, ठीक है, तो कोई कनेक्शन हो सकता है, अदरवाइज ये बाहर से आया हुआ है। ये हमारा क्या है, हस्बैंड है इसका, बस ये समझ लो, इसकी मैरिज हुई है, सिंगल लाइन शोज मैरिज। इतनी बात समझ में आती है?
हॉरिजॉन्टल लाइन सोच शोज मैरिज. अब कोई मर गया बेचारा, एक स्क्वायर है मेल मर गया है तो 20 से काट देते हैं, इसका मतलब होता है डेथ और डिसीज्ड. ठीक है, सेम फॉर फीमेल, गोला बनाया काट दिया, डेथ और डिसीज्ड. बात समझ, डिसीज्ड फिनिश, नो फिजिकल एक्टिविटी, मर गए, टाटा बाय बाय खत्म. बात समझ आ गई. अब जैसे मान लो इन दोनों के आइडेंटिकल ट्विंस पैदा हुए, ट्विंस पैदा हुए तो एक ही पॉइंट से दो बन जाएंगे. ठीक, अब ये मोनोजाइगोटिक भी हो सकता है, डाइजाइगोटिक भी, यानी आइडेंटिकल नहीं, नॉन आइडेंटिकल. ज़्यादातर सेम सेक्स के बच्चे, ज़्यादातर क्या, जब अगर आइडेंटिकल है मोनोजाइगोटिक है तो सेम सेक्स के ही चाइल्ड होंगे, लेकिन फेटर्नल में जो तुम्हारा डाइजाइगोटिक था उसमें भी सेम सेक्स हो सकते हैं. तो कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे कि ये भैया तुम्हारे जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं आइडेंटिकल हैं कि ये डाइजाइगोटिक है? तो इसका एक तरीका ये होता है, एक पॉइंट से दो बने फीमेल फीमेल. अगर ये आइडेंटिकल है मोनोजाइगोटिक तो इसके बीच में ऐसे लाइन लगा सकते, बस समझ गए, चाहे यहाँ पे लगा लो चाहे यहाँ पे लगा लो. लेकिन अगर फेटर्नल ट्विंस है यानी नॉन आइडेंटिकल ट्विंस हैं तो हम सिंपल ऐसे लिखते हैं. मेरी बात समझ में आई? ये हो जाएगा तुम्हारा मोनोजाइगोटिक. मोनोजाइगोटिक अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद हो जो मैंने पढ़ाया था, थोड़ा सा पीछे जाओ फिर आगे आओ, तो एक जाइगोट आगे चल के टूट जाता है, पढ़ाया था मैंने, हाँ, एट द टाइम ऑफ क्लीवेज व्हेन इट ब्रेक्स इनटू टू जाइगोट देन दे डेवलप इनटू सेम सेक्स. ठीक है, इधर मेल मेल और फीमेल फीमेल. डाइजाइगोटिक मतलब दो ओवा प्रोड्यूस हुए हैं, दो ओवम से दो बच्चे बने. बात समझ आ गई? इतनी बात क्लियर है? चलो बेटा, पेडिग्री के बारे में बात करते हैं. मैंने आपको ट्रेड्स बताए थे, ऑटोसोमल सेक्स लिंक. इसके अलावा बेटा इनमें और चीज़ें होती हैं, जैसे ऑटोसोमल है तो वो ऑटोसोमल लग गया है बेटा. जो ऑटोसोमल है वो रेसेसिव होगा या डोमिनेंट. ठीक है, दूसरा क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है वो भी रेसेसिव है या डोमिनेंट. ठीक है, तो हम जेनेटिक डिसऑर्डर पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ में आए कि हमें इसका करना क्या है. बात समझ आ रही है? पेडिग्री एनालिसिस के सिंबल्स आप समझ गए हैं. अब अगला पहले टॉपिक हम पढ़ेंगे छोटा सा म्यूटेशन, कि म्यूटेशन क्या है, किस तरीके से जीन्स में फ़र्क आ गए, क्रोमोसोम में फ़र्क आ गया है. ठीक है, उसके बाद बेटा हम पढ़ेंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स, मेंडेलियन और क्रोमोसोमल, और फिर हम पेडिग्रीज बनाना शुरू करेंगे. फिलहाल के लिए एक एग्जाम्पल बस आप समझ लीजिए. जैसे मैंने कहा कोई रेसेसिव ऑटोसोमल डिसऑर्डर है. रेसेसिव बोले तो जब वो होमोजाइगस कंडीशन में प्रेजेंट होगा तभी वो अपने आप को क्या कर पाएगा, शो कर पाएगा. मेरी बात समझ आ रही है? जैसे मान लो मैंने कलर ब्लाइंडनेस का एग्जांपल ले लिया. बेटा अभी डिटेल में पढ़ाएंगे, सिर्फ एक एग्जांपल से पेडिग्री समझाने की कोशिश कर रहे हैं. एक फीमेल है जो कि कैरियर है एक्स, तो इसका मतलब एक एक्स उसका कलर ब्लाइंड वाले जीन का है और एक एक्स उसका क्या है, नॉर्मल है. मेल बिल्कुल नॉर्मल है. ठीक है, इनके ऑफस्प्रिंग कैसे प्रोड्यूस होंगे, इस एक्स से दोनों का कर लो, एक्स सी एक्स एक्स सी वाई, इस एक्स से कर लो एक्स एन एक्स और एक्स एन वाई. अब देखो मेरे बच्चों, ये नॉर्मल है, इसको कुछ नहीं हुआ, लेकिन ये कैरियर तो बन गई. समझ आया? अगर ए पर भी है तो कैरियर तो बन गया. ये वाला अफेक्टेड हो गया, क्योंकि मेल्स में अगर एक पर भी आ गया तो तुम्हारी आ गई. बात समझ आ गया? ये बच्चा हमारा अफेक्टेड हो गया, ये नॉर्मल, ये नॉर्मल. बात समझ आ रही? लेकिन ये सब कैरियर होंगे, ये भी कैरियर है और ये भी कैरियर है. नुकसान किसका हो गया, मेल का. बेटा नॉर्मल क्यों था, एक्स सी लेके आया है ना, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल. अच्छा हाँ सॉरी, ये तो कैरियर भी नहीं बने, ये तो 100% नॉर्मल है. ठीक है, क्योंकि ये वाला अफेक्टेड जो था ये जिसमें जाएगा, एक को कैरियर बना देगा एक को अफेक्टेड कर दिया. तो मेल्स के साथ क्या चीज़ होती है बेटा, एक के एक्स क्रोमोसोम पे आया उनकी वाट लग गई, क्योंकि उनके पास एक ही एक्स क्रोमोसोम है. इस वजह से पूरी दुनिया में 8% ऑफ मेल आर कलर ब्लाइंड एंड ओनली 0.4% फीमेल्स आर कलर ब्लाइंड.
मेरी बात समझ आ गई? अब इसकी अगर हम पेडिग्री बनाना चाहें, एक फीमेल की मेल से हो गई शादी, ठीक है, फिर उनके पैदा हुए छोटे छोटे बेबी, मान लेते हम चार बेबी बनाते हैं, ठीक है। अब बेटा क्या हुआ, फीमेल तुम्हारी क्या थी, कैरियर थी, तो ये क्या थी तुम्हारी एक्स एन, ठीक है, मेल तुम्हारा नॉर्मल था। नीचे गए, ये भी तुम्हारी कैरियर बन गई, ये तुम्हारा कैरियर नॉर्मल बनी, एक ये नॉर्मल और ये वाला तुम्हारा अफेक्टेड हो जाएगा, हो गया। यानी पेरेंट में कोई डिसऑर्डर नहीं दिख रहा है, लेकिन बच्चों में डिसऑर्डर आ रहा है, वो भी मेल्स में। तो इससे ये पता चल गया, ये ऑटोसोमल रेसेसिव डिजीज, वो ऑटोसोमल नहीं, ये एक रेसेसिव डिसीज है। कौन सी ऑटोसोमल है, कौन सी क्रोमोसोमल है, ये सब हम अभी डिटेल में आगे पढ़ेंगे, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं। एक पेडिग्री का एग्जाम्पल मैंने दिया है, किस तरीके से आप पेडिग्री बना सकते हैं, ठीक है। अभी कुछ नहीं पढ़ाया है बेटा, सिर्फ आपको सिंबल्स याद करने हैं पेडिग्री में, पेडिग्री करते क्यों है, इसके डिफिनेशन, व्हाट आर द सिंबल्स यूज, वो पढ़ना है। फिर डिफरेंट पेडिग्रीज हम जब करेंगे, जब हम म्यूटेशन को और जेनेटिक डिसऑर्डर्स को समझ लेंगे। 2-3 मोर लेक्चर्स विल बी रिक्वायर्ड टू फिनिश द पेडिग्री एनालिसिस, एंड टिल देन यू कीप वॉचिंग इट।